जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने ये मेरा जो व्लॉग है इसमें मैंने विज़िट किया था यास्मीन मॉल का, तो वो शुरू की वीडियोस थी, हो सक होप आपने इन्जॉय की होगी। और अब मैं बना रही हूँ आलू पालक और साथ में चिकन, मतलब तीनों चीज़ें मिक्स करके। तो बस ये जैसे इजी बनती है रूटीन की, पालक को मैंने पहले बॉईल कर लिया है और अब जो है मैं इसमें चिकन वगैरह भून के जो है वो उसमें पालक डाल दूँगी, आलू डाल दूँगी और मसाले डाल दूँगी। ईजी रेसिपी है जैसे आमतौर पर घर पर बनाई जाती है। तो इसके साथ साथ मैं एक और आज के दिन की हवाले से कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1001K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, और ये सब आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के सपोर्ट और की वजह से ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो 1K का एक टारगेट था वो पूरा हो गया है, और इंशाल्लाह जो है अब नया दूसरा टारगेट जो है वो वॉच टाइम का है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी पूरा हो जाएगा। तो ये सब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है, जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किया है जिन्होंने, और जो मेरी वीडियो देखते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जो है वो एक व्लॉग आएगा इंशाल्लाह जिसमें सेलिब्रेशन की जाएगी, बिल्कुल केक काटा जाएगा 1K सब्सक्राइबर्स का। तो इंशाल्लाह वो व्लॉग भी एक दो दिन में आ जाएगा। और यहाँ पे जो है वो मेरी रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी होने वाली है। इसमें मैंने प्याज़ को ब्राउन कर लिया था और अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और जैसे ही टमाटर जो है वो प्याज़ अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो मैं उसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, दही और चिकन, और इन चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। और जैसे ही चिकन भुन जाएगा और अच्छे तरीके से मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे, फ्राई हो जाएगा चिकन, तो मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने पालक बॉईल करी थी वो डाल दूँगी, और आलू भी मैं इसके साथ ही डाल दूँगी। तो ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और बस ये देखें जी, अब मैंने इसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल दी हैं, दो आलू कटे हुए डाल दिए हैं, और जो मैंने पालक फ्राई की थी वो डाल दूँगी मैं इसके अंदर, ठीक है। और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से भून गया है, बिल्कुल उसने अपना पानी तेल छोड़ दिया है चिकन ने, और अब मैंने इसमें पालक डाल दी है, साथ में आलू और हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो बस अब इनको अच्छे तरीके से भून लूँगी मैं, फ्राई कर लूँगी। और ये देखें जी, अब ये जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, भुन गया है, रेडी है बिल्कुल। आप इसको हल्के दम पे रख दें और जो है बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।